नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज जिनसे हम सीधी बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसे कलाकार हैं जो अगर फिल्म में हैं तो आप समझ लीजिए कि फिल्म लकीर से थोड़ी अलग होगी, लेकिन पर्दे पर अगर आप उनको देख लेते हैं तो उनसे नजरें नहीं हटती हैं। रणबीर कपूर, बहुत स्वागत है आपका। जिस रास्ते पर निकले थे उसी रास्ते पर चल रहे हैं या लग रहा है कि रास्ता थोड़ा बदल गया? नहीं, रास्ता हमेशा बदलना चाहिए। आप एक रास्ता चुनोगे तो बहुत ही बोरिंग और बहुत ही प्रिडिक्टेबल हो जाता है। तो अभी 10 साल हो गया मुझे करियर फिल्मों में, एंड करीबन 15 फिल्में की हैं, एंड जो कुछ हुआ है लाइफ में, जो कुछ फिल्में हिट हुई है, फ्लॉप हुई है, सबका मिश्रण बन के मैं इस रास्ते पर आया हूँ। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में एक कहावत मशहूर है कि अगर आपको अदाकार और सुपरस्टार दोनों चाहिए तो आपको कपूर खानदान की तरफ देखना पड़ता है। नहीं, ऐसी ये बात मैं नहीं मानता। पर आप अपने आप को अदाकार मान रहे हैं या स्टार मान रहे हैं? आई थिंक सबसे पहले आपको एक्टर बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्टिंग नहीं करते और आपका जॉब एक्टर है तो फिर कुछ नहीं है। बट एक्टर बनना शायद स्टार से बनना और आसान है। आई थिंक स्टार बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आप स्टार बनती हो तो दो चीज़ें मायने रखती है। एक तो आपको अच्छी एक्टिंग करनी पड़ती है, और दूसरी जो चीज़ होती है कि लोग आपको पसंद करना चाहिए कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बींग आप कौन हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। एक बार उनका एक कनेक्ट हो जाए ऑडियंस का, फिर आप एक स्टार बनते हैं। तो आई थिंक ये दोनों का मिश्रण बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फिल्मों के साथ ऐसा होता है ना, कई दफ़ा किसी फिल्म को देखकर ये कहा जाए कि ये फिल्म हिट कैसे हो गई, या फिर इस फिल्म को देखकर ये कहा जाए कि अरे ये फिल्म चली क्यों नहीं, इतनी अच्छी थी। आप किस कैटेगरी को बिलोंग करना पसंद करते हैं? आई थिंक 10 साल बाद मुझे एहसास हुआ है कि ऑडियंस से बड़ा कोई नहीं होता। अगर ऑडियंस को एक फिल्म अच्छी लगती है तो वो फिल्म में कुछ बात होगी। ऑडियंस ऐसे फोकट में पैसा दे के फिल्म ही देखेंगे, यू नो, उनको अगर कहा जाएगा एक वर्ड ऑफ माउथ, गुड वर्ड ऑफ माउथ होगी, या उनको वो स्टार पसंद है, या फिल्म के गाने पसंद है, या कुछ ट्रेलर में पसंद भी हो जाके फिल्म देखेंगे। और वो कहावत है ना, हिट है तो फिट है, यू नो, हमारी इंडस्ट्री में वही है। अगर कोई फिल्म चलती नहीं है तो मैं ऐसा नहीं सोचता कि नहीं मैंने अच्छा काम किया था, या ये ऐसी फिल्म है विच वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम्स। फिल्म नहीं चलती तो मतलब कुछ खराबी होगी फिल्म। संजू को किस कैटेगरी में अभी हम रखें? ये इसमें सारे मसाले हैं, क्योंकि जितने लुक्स में रणबीर कपूर नजर आ रहे हैं और एकदम लग रहा है जैसे कि आईना भी देखें तो सामने संजय दत्त ही नजर आएंगे। मेरे लिए बहुत बड़ी फिल्म है, यू नो, एक ऐसे समय में आ रही है जहाँ ये फिल्म की आवश्यकता थी। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए जहाँ मैं संजय दत्त का किरदार निभा रहा हूँ, राजकुमार हिरानी का हीरो हूँ, और ऐसी स्क्रिप्ट एक्टर के लाइफ में बार बार नहीं आती। ये फिल्म में सब है, क्योंकि संजय दत्त के लाइफ में सब है। उसकी लाइफ का हर पल्लू देखो आप, हर पल कुछ ना कुछ हुआ है, यू नो, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सी, या जो उन्होंने गलतियाँ की है, या उनके जो इतना कुछ था स्क्रिप्ट में। तो मुझे जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा नहीं कि ये सब सच है। तो जब मैंने राजू सर से बात की और मैंने कहा कि ये तो आपने लगाया है ना, ये और ये तो आपने ज़्यादा डाला है ना, बट सब कुछ सच था। आप उसी इंडस्ट्री से हैं जिसमें संजय दत्त को भी आपने बड़ा होते हुए देखा होगा, सुना होगा, अखबार की वो कहानियाँ सुनी होंगी जो छपती थी, उसके बावजूद आप सरप्राइज हुए? बिल्कुल श्वेता जी, क्योंकि ये वो संजय दत्त नहीं है जो हम सब जानते हैं। ये वो लार्जर देन लाइफ सुपरस्टार संजय दत्त नहीं है। ये संजय दत्त की एक इंसान के नाते जो कहानी है उसके बारे में, कि बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा था, उसके फैमिली के साथ क्या हो रहा था, उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या हो रहा था। ये फिल्म का जो बैकबोन है वो 3 चीज़ें हैं। एक तो एक फादर सन रिलेशनशिप है, एक दोस्ती की कहानी है, और तीसरा है क्वेश्चन मार्क, जो मैं बोल नहीं सकता क्या है। अच्छा जी, क्योंकि ये भी सुनने में आया था कि पहली बार जब आपने वो स्क्रिप्ट पढ़ा था तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप से कन्विंस नहीं थे कि मैं ये रोल कर पाऊँगा। नहीं, एक्चुअली जब राजू सर ने मुझे मैसेज भेजा कि वो संजू के ऊपर फिल्म बना रहे, मैंने ये बात सुनी थी बाहर कि यू नो ऐसी बायोपिक लिखी जा रही थी। तो जब उनका मैसेज आया, एक तो मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि राजकुमार हिरानी का मैसेज आया, लेकिन दूसरे तरफ मैं डिसअपॉइंटेड भी हो गया था कि संजू सर के ऊपर बायोपिक है। दो चीज़ें थी, एक तो मुझे डिसअपॉइंटेड क्योंकि दो चीज़ें, एक चीज़ पहली चीज़ ये थी कि मुझे खुद पे विश्वास नहीं था कि मैं वो कर पाऊँगा। मेरी पर्सनैलिटी उनकी पर्सनैलिटी से बहुत अलग है, और मैं एक किरदार नहीं 6 किरदार निभा रहा हूँ, जब वो 20 साल के थे और आज तक। और दूसरी बात ये थी कि वो आज भी इतने चहेते सुपरस्टार है, इतना काम कर रहे हैं, यू नो, ही इज़ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन्स आइज, तो उनके ऊपर आप कैसे बायोपिक बनाओगे? आई थिंक दुनिया में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि एक एक्टर जो आज भी एक्टिंग कर रहा है उनके ऊपर कोई बायोपिक बना रहा है। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो जो भी डाउट्स थे, जो भी डर था, फियर्स थे, वो सब निकल गए, क्योंकि आई थिंक जो कहानी थी वो बहुत ही रिलेटेबल कहानी थी मेरे लिए। और ये रिस्क की, क्योंकि एक लिविंग व्यक्ति है और वो अभी भी एक्टिंग कर रहा है, तो वो जो थिन लाइन होता है एक मिमिक आर्टिस्ट और एक एक्टर के बीच का,
कहीं पर उसको लेकर दिक्कतें आईं? बहुत दिक्कतें आईं, क्योंकि पहली बात तो ये थी कि मुझे खुद को कन्विंस करना था कि मैं कर सकता हूँ। तो हमने कुछ करीबन 6 या 8 महीने लिए, जहाँ हम रोज़ लुक टेस्ट करते थे। मैं 6-6 घंटे कुर्सी में बैठता था, लोग ये सब प्रोस्थेटिक पीसेस मेरे पे चिपकाते थे। फिर 6 घंटे बाद हम कैमरा के आगे आते थे तो इतना निराश हो जाते थे क्योंकि लुक मैच नहीं कर रहा था। कभी कभी मैं अपने पापा के जैसे दिखता था, कभी कभी कोई और एक्टर के जैसे दिखता था। तो आई थिंक वो 6-8 महीना बहुत ज़रूरी था, लेकिन वो तो सब सुपरफिशियल बातें थी, यू नो, कि मेकअप, हेयर, कॉस्ट्यूम, उनका पहनावा। लेकिन जो उनका जो एक सोल था, जो रूह थी, जो आत्मा थी, वो लाना मेरे लिए बहुत बहुत एक अहम बात थी, क्योंकि मैं संजू सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और जो जिम्मेदारी मेरे पे सौंपी गई है कि एक संजय दत्त की लाइफ जो है, जो उन्होंने खुद इतनी ऑनेस्टली हमें दी है दिखाने के लिए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो उसको लेकर मैं एक ऑब्सेस्ड इंसान बन गया, मैं एक जुनून आ गया था। यू नो, मैं 24 घंटे उसके बारे में सोच रहा था, उनकी वीडियोज़ देख रहा था। जब मैं उनसे मिलने जाता था, सिर्फ उनको घूरते रहता था कि वो कैसे दाढ़ी खुजा रहे, कैसे देख रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं। जैसे मैंने कहा था, मेरे लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो मुझे यही चाहिए था कि मैं जो भी मेरे अंदर जो भी कुछ है, मैं सब टेबल पे रख दूं, अपने आप को टेबल पे रख दूं और पूरा दे दूं इस फिल्म को। एक किसी ने बहुत अच्छा लिखा आपके लिए और मैं उसे पढ़कर सुनाना चाहती हूँ कि अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म जब आई तो उसमें राज कपूर के जोकर की झलक नजर आई, बर्फी फिल्म आई तो उसमें राज कपूर का भोलापन था, ये जवानी है दीवानी में ऋषि कपूर की मौज मस्ती थी, तमाशा में शम्मी कपूर का अंदाज था, ए दिल है मुश्किल में शशि कपूर की संवेदनशीलता थी। ऐसा लगता है कि रणबीर कपूर नहीं, कपूर खानदान का कॉकटेल है। वाह, क्या बात है। नहीं, अगर ऐसा है तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ऐसा मैं कोशिश नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कोशिश कर रहा कि ये फिल्म में मैं राज कपूर जैसा एक्टिंग करूँ या शम्मी कपूर जैसा एक्टिंग करूँ। मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनके काम से। मैं बहुत छोटा था जब राज कपूर पास्ट हुए, तो मैं जो भी उन्हें, मैं 6 साल का था तो इतना याद नहीं है, लेकिन जो कुछ मुझे याद है उनकी फिल्मों के जरिए मैं उनको जान पाया हूँ। शम्मी कपूर के साथ तो मैंने काम भी किया है रॉकस्टार में। मैं शशि कपूर को इतनी अच्छी तरह नहीं जानता था। मैं पापा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो कहीं ना कहीं इनकी इंस्पिरेशंस मेरे में बैठी हुई है। अगर कोई मैं इंटेंस रोल करूँ, मैं ये भी चाहूँगा कि कोई लोग कहेंगे कि ये अमिताभ बच्चन से इंस्पायर हुआ है, मैं उनका भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, या खानों से इंस्पायर हुआ है। आई थिंक जो एक एक्टर होता है, जो हमारी जो पहली जनरेशन होती है, उससे भी पहली जनरेशन, हम सब उनसे कुछ ना कुछ लेते हैं और कहीं ना कहीं हमारे काम में झलक आती है। बट वो फिर भी एक सबकॉन्शियस बात होती है। ऐसे नहीं कि मैं बैठता हूँ स्क्रिप्ट के साथ, इसमें मैं शमी कपूर जैसे एक्टिंग करूँगा, इसमें मैं राज कपूर जैसे एक्टिंग करूँगा, लेकिन अच्छा लगता है। लेकिन अपने अपने में सब एक तरह से कह सकते हैं एक्टिंग स्कूल है अपने आप में। एक एक जिनका भी नाम लिया मैंने या जिनका नाम मिस भी किया है, तो आप किसी स्कूल से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं? ये रणबीर स्कूल ऑफ एक्टिंग है? आई थिंक वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको खुद अपनी पहचान बनानी है तो यू हैव टू डिटैच फ्रॉम दैट। अगर मैं ऑडियंस को ऋषि कपूर जैसा रिमाइंड करूं या राज कपूर जैसा रिमाइंड करूं, वो उन्होंने देख लिया, उन्होंने घोल लिया है। और ऋषि कपूर आज भी इतना काम कर रहे हैं। और ऐसे बहुत दूसरे एक्टर्स हैं मेरे परिवार से जिन्होंने सफलता नहीं पाई, शायद वो किसी के छापते या उनको कोई दूसरे एक्टर की याद दिला रही थी। एंड आई थिंक जो आपके चॉइसेस होते हैं, आप जो फिल्में चूज़ करते हो, वो नेचुरली आपके अंदर से क्या आ रही है, आपकी चॉइस क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका जो एक आइडियोलॉजी है, जो आप ऑडियंस को देना चाहते हैं, आपकी जो सोच है, वो बहुत ही इंडिविजुअल होनी चाहिए। अगर वो कन्फ्यूज है कि नहीं, राज कपूर ऐसा सोचता था या ऋषि कपूर ऐसा सोचता है, तो ऑडियंस भी कन्फ्यूज हो जाएगी और आपको पसंद नहीं करेगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंडिविजुअल। और डायरेक्शन में राज कपूर के अलावा बाकी सब ने डायरेक्शन में हाथ तो आजमाया, लेकिन उस तरीके से उसको एक लेगेसी की तरह आगे नहीं बढ़ाया। जी जी, आपने, क्योंकि एक तरह से आप ट्रेन डायरेक्टर भी हैं, आपने कुछ चार्ट आउट किया है अपने लिए आगे? या एक्चुअली श्वेता जी, जब मैं अमेरिका के लिए गया पढ़ाई करने, तो मैं डायरेक्शन सीखने गया। जब मैं वापस आया, मैंने संजय लीला बंसाली को ब्लैक जो फिल्म बनाई थी, उसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो जब छोटा था तो सोचता था कि शायद मैं डायरेक्टर बनूंगा, बट आई थिंक जब मैंने संजय जी को असिस्ट किया तो उन्होंने इतना विश्वास दिखाया मुझ पे कि नहीं, तुझे एक्टिंग करना चाहिए। उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया, फिर सावरिया भी ऑफर की, तब वो अंदर एक सपना जाग उठा, नहीं मैं एक्टर बनूंगा, मैं एक्टिंग करूंगा। तब सपना जागा, क्योंकि आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद आप पैदा हुए होंगे और आपने सोच लिया होगा मैं तो एक्टर ही बनूंगा। ज्यादातर क्योंकि आप एक एक्टर के बेटे हो, तो सब आपके इर्द गिर्द कहते हैं कि नहीं, ये तो बड़े होकर एक्टर ही बनेगा। लेकिन आप इतना सोचते नहीं हो। मैं बहुत ही लेजी इंसान था, स्कूल में बिलो एवरेज था, ड्रामेटिक्स में बकवास था, फुटबॉल में ठीक ठाक था। तो कभी आपको ऐसे मैं बैठ के कभी सोचता नहीं था, नहीं मैं एक्टर बनूंगा, ये करूंगा। मैंने सोचा कि जहाँ भी जिंदगी लेकर जाएगी मैं कर लूँगा। ऑफकोर्स क्योंकि मैं एक फिल्मी परिवार से हूँ,
तो मैं जानता था कि जो भी मुझे अपॉर्चुनिटीज आएंगे वो बहुत आसानी से आएंगे। तो जब आप शुरू करते हो तब आपको एहसास होता है कि ये जो एक दुनिया है फिल्मों की, ये बहुत ही मुश्किल दुनिया है, इतनी आसान नहीं है। बाहर से फैमिली के बावजूद, फैमिली के बावजूद आपको पहली अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन आप किस तरीके से आप अपनी करियर को आगे ले जाओगे ये सिर्फ आप पे है। एक तो एक्सपेक्टेशंस होती है, फिर आप पे हमेशा ये टैग लगेगा कि यूज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ये स्टार सन है। आपको तो अब नहीं कहता होगा वेल, फिर भी यू नो अभी वो जो नया नेपोटिज्म का डिबेट शुरू हुआ, बट ये सब ट्रू है, ये सब सच है। यू नो मैं आज आपके सामने बैठा हूँ इस फिल्म को लेकर, या जो कुछ यू नो अगर लोग मुझे पसंद करते हैं ये शायद मेरे परिवार की वजह से भी है। उन्होंने इतना एंटरटेन किया ऑडियंस को, तो इतना प्यार उनका जो उनकी तरफ है शायद मेरे पे भी थोड़ा वो असर आ गया है। लेकिन मैं अपने जॉब को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। यू नो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौके मिलते हैं, मैं करता हूँ जो जिससे मुझे प्यार है, जो मैं पैशनेट हूँ फिल्मों के लिए, और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि लोग भी ये समझे कि नहीं यार ये अपने काम को सीरियसली लेता है, अच्छा काम करता है, ये अच्छा इंसान है, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। पढ़ाई से बचने के लिए तो एक्टर नहीं बने थे कहीं? वो भी एक बात थी कि कहीं ना कहीं मैंने बचपन में सुन लिया था कि एक्टर बनने के लिए पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। तो वो भी एक इंसेंटिव होता है, चलो यार ठीक है। लेकिन मैं इतना बुरा नहीं था स्कूल में, मतलब पास हो गया, कभी फेल नहीं हुआ। जस्ट पास या अच्छे से पास? जस्ट पास टू बी प्रिसाइज, 54.3% मुझे अपने 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम से मिले। और जब मेरे मार्क्स आए तो जब मेरी दादी ने मेरे मार्क्स देखे और जब मैंने मेरे परिवार ने मेरे मार्क्स देखे वो पागल हो गए। उनको लगा कि हमारे परिवार में आइंस्टाइन पैदा हुआ। अच्छा, खुशी से पागल हुए? खुशी से पागल हुए, क्योंकि आई थिंक पापा 8th स्टैंडर्ड फेल थे, डबू अंकल 9th स्टैंडर्ड फेल थे, दादाजी 10th स्टैंडर्ड क्रॉस नहीं किया, तो पहला मैं आई थिंक मेरे परिवार में पहला एक सदस्य था जिन्होंने 54.3 अपने बोर्ड एग्जाम्स में लिए। जो आपके फैंस देख रहे हैं सबको मैसेज दीजिए कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल, अब एक्टर भी नहीं बनते। बिल्कुल। संजय दत्त ने इस फिल्म के प्रोमो में कहा है कि मेरे 308 रिलेशंस, आप कहीं पर आइडेंटिफाई करते हैं उनसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे तो मतलब 1% भी नहीं है उनका। मैं वो तो मैं कह रहा हूँ कि उनकी ऐसी लाइफ है, आप हर पल का एक बायोपिक बना सकते हो। उनका 1% भी काफी हो जा रहा है वैसे। हाँ, 1% कितना होता है? 3 नहीं, 300 का 1% कितना होता है? 3 होनी ना। हाँ, तो 1% से थोड़ा ज्यादा है, 3 point कुछ। हाँ, तो थोड़ा ज्यादा है, शायद 3%। लेकिन मैं क्या कह रहा था, हाँ, उनका हर पल इतना इतना कॉन्ट्रोवर्शियल है, इतना एंटरटेनिंग है कि कोई मुझसे पूछ रहा था कि क्या मेरे पे आप किसी को परमिशन दोगे बायोपिक बनाने, ये मुझसे नहीं होगा क्योंकि मेरी लाइफ पहले तो बहुत बोरिंग है, मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है। एंड आई थिंक इट्स ये एक शराब जैसा होता है, अगर कोई आप पे बायोपिक बनाना चाहता है मतलब आपके लाइफ में ऐसे कॉन्ट्रोवर्सीज या दुविधा आए हैं, इसलिए वो बायोपिक बन सकती है आपके फिल्म में, आपके फिल्म लाइफ के बारे में। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि मेरे पे बायोपिक बनेगी। नहीं, फिर महेंद्र सिंह धोनी पर भी तो बनी। पर वो तो अचीवर है ना, उन्होंने क्या अचीव किया है, कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ उन्होंने क्या क्या पाया है। लेकिन कभी आगे भी होगा तो आप परमिशन नहीं देंगे? अगर कुछ होगा लाइफ में, अगर कुछ लोग सीख सकते हैं मेरे लाइफ में, इंस्पायर हो सकते हैं, देन शायद, लेकिन फिलहाल तो कुछ हुआ नहीं है लाइफ में। कई सारी फिल्में आपने जितनी भी की हैं अभी, उसमें एक दौर के बाद ऐसा लगा कि बहुत सारी फिल्में ऐसी लगभग लगभग एक जैसी होने लगी, भली वो लकीर से अलग हटकर थी, लेकिन उसमें वो ये जवानी है दीवानी वाला रणबीर कपूर, या फिर अजब प्रेम की गजब कहानी जिसके बहुत फैन फॉलोइंग भी हुई थी, क्या कहीं पर कॉन्शियसली आप क्रिटिक्स को खुश करने के लिए ज्यादा चल पड़े? नहीं, बिल्कुल, क्रिटिक्स 10 लोग हैं, जनता इतनी बड़ी है, आई थिंक कोई क्रिटिक्स को खुश करने के लिए नहीं बना था। जो भी मुझे मौके मिले उस वक्त मेरे ज़िंदगी में, जो मुझे ठीक लगे, जो जिस किरदार को इमीडिएट मेरा कनेक्ट हुआ, मैंने वो फिल्म लिए। जैसे मैंने ये जवानी है दीवानी साइन की थी, उसी तरह मैंने अगर जगह जासूस या तमाशा साइन की, मैंने उसी तरीके से साइन की कि मुझे फिल्म पसंद आई, मुझे लगा कि अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है, ऑडियंस को भी पसंद आएगी। अभी मेरे पास फॉर्मूला तो है नहीं, कुछ फिल्में चलेगी कुछ नहीं चलेगी, और खुश नसीबी की बात है कि मैं थोड़ा डिटैच्ड हूँ, तो जब फिल्म चलती है नहीं चलती मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स थोड़ा बुरा लगता है जब नहीं चलती, और जब अच्छा लगता है आपका एक ही रिएक्शन होता है, बज गए, अभी अगले साल तक तो चलो यू नो मीडिया आपकी बैंड नहीं बजाएगी। लेकिन नहीं तो यू नो जब से मेरी शुरुआत हुई है आई थिंक लोग मेरा काम पसंद करते हैं, तो मुझे मौके तो कभी हिट फिल्मों पर जज नहीं किया गया आपको, तो मुझे मौके मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे वर्स्ट फेज जो लोग कहते हैं कि जो मेरा वर्स्ट फेज चल रहा है,
उस दौरान मुझे राजकुमार हिरानी ने फिल्म ऑफर किया, अभी उसे कोई बड़ी बात हो नहीं सकती. तो मैं कभी घर पे बैठ के ऐसा डिप्रेशन में नहीं जाता या सोचता हूँ कि यार मेरे करियर की लग गई या क्या होगा लाइफ में. मैं सिर्फ खुश हूँ कि मुझे मौके मिल रहे, मुझे काम करने का. मैं रोज़ उठता हूँ, एक्टिंग करने जाता हूँ, एंड इस बात को लेकर मैं बहुत खुश हूँ. क्या ये डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी होता है फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि विदेशी फिल्म इंडस्ट्रीज से भी इस तरह की खबरें आती हैं कि आप अफेक्ट करने दे रहे हैं, क्या ये डिटैचमेंट उसके लिए? नहीं, आई थिंक पहले तो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, मैं बचपन से ऐसा था. तो आपकी रियल लाइफ जो है फिल्मों के लिए अच्छा होता है, जो आप रियल लाइफ है उसके लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि आप थोड़े आइसोलेट हो जाते हो, अकेलापन और पसंद होता है आपको. तो शायद उसके लिए अच्छा नहीं होता, बट अपनी रियल लाइफ के लिए तो मस्त होता है. कभी आपको बुरा लगता है कि आपकी फिल्मों से ज़्यादा सुर्खियाँ आपकी पर्सनल लाइफ बन जाती है? शुरुआत में लगता था, फिर दिस इज शो बिजनेस, यू नो, लोगों को लिखना है तो लिखेंगे. कल अगर लोग नहीं लिखेंगे मेरे बारे में, शायद मुझे और अभी बुरा लगेगा कि वो इंटरेस्ट कहाँ चला गया है. और शायद मैं, मेरे फिल्म इतने अच्छे नहीं है अभी तक कि वो उनके बारे में ज़्यादा बात करें, तो शायद संजू को लेकर वो अभी वो सोच बदल जाएगी. संजू को लेकर सोच इसलिए भी बदलेगी क्योंकि उसमें सिर्फ एक्टर की एक एक्टिंग नहीं बल्कि उसकी एक कोशिश भी कि वो देखने में भी वैसा लगे, बोलने में भी वैसा लगे और उस किरदार को निभाए जिसका पोस्टर कभी उसकी अलमारी में लगा हुआ है. जी बिल्कुल. मैं संजू सर के बहुत करीब था बचपन से, यू नो, वो मुझे मेरे बर्थडे पे एक हार्ली डेविडसन उन्होंने मुझे दी थी बाइक. अभी कुछ 10 दिन उन्होंने मुझे एक बहुत ही महंगी साइकिल दे दी, घर पे भेज दिया. रोज़ मुझे कहीं फ़ोन करते थे, मैं आज खिचड़ा भेजूँ, मटन भेजूँ. बचपन में जब मैं हम दोनों पालिन में रहते हैं तो उनके पास एक फरारी गाड़ी थी, तो मुझे बीच रात उठा के मुझे ड्राइव पे लेकर जाते थे, अपने लाइफ के बारे में किस्से सुनाते थे. तो नज़दीकी बहुत थी, मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी था. जब मैंने पहली बार उनको देखा, मैं कश्मीर में था, पापा एक फिल्म कर रहे थे साहिबा, जिसमें संजय दत्त पापा और माधुरी दीक्षित काम कर रहे थे. तो जब मैं बैठा था दूर से, एक मैंने एक आदमी को देखा, लंबे बाल, इयररिंग, लंबा सा, एक पठानी में ऐसा चल के आ रहा था, तो भी लगा कि यार ये क्या है, इसकी ऑरा ही इतनी मेस्मराइजिंग है. तब से मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन बन गया. अच्छा, तो मतलब आपने, क्योंकि हमारे ही एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि पापा की आँख में आँख डालकर मैं बात नहीं कर पाता हूँ. जी, मैंने उनका, आज तक मुझे पता नहीं कि पापा की आँख का कलर क्या है, मैं सिर्फ ऐसे बात करता हूँ और उनका जो एक वाक्य है वो ख़त्म होने से पहले मैं हाँ बोल देता हूँ, चाहे वो कुछ बोले, कुछ भी हो, मैं सिर्फ हाँ वैसे ही हूँ. माँ की तरफ से बात कहलवा. बिल्कुल. तो जो कुछ होता है, अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारे ज़िंदगी में, मम्मी जो है वो बीच में आ जाती है, तो उनके ज़रिए बात होती है, वो बात आसान हो जाती है. लेकिन फिल्मों को जब आप करते हैं उसमें एक प्रोसेस होता है पूरा, नीतू जी, ऋषि जी, सब उस फिल्म के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं? बिल्कुल नहीं. नहीं रहते. आई थिंक शुरुआत से उन्होंने यही चाहा कि मैं खुद अपने डिसीजंस खुद लूँ, एंड वो बहुत अच्छी बात थी मेरे लिए. तो मैं ज़्यादा और कॉन्शियस हो गया और इंडिपेंडेंट हो गया बहुत जल्दी. मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं किया कि ये स्क्रिप्ट है, पापा आपको क्या लगता है करना चाहिए. शायद अगर करता तो शायद और अच्छी फिल्म्स करता, शायद करता तो मुझे बर्फी और वेकअप सेट जैसी फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि पापा शायद वो फिल्में नहीं पसंद करते. लेकिन एक जो एक परंपरा मैं कायम रखता हूँ कि हर स्क्रिप्ट जब मुझे पसंद आती है और मैं हाँ कर देता हूँ, तो मैं मम्मी को वो स्क्रिप्ट भेजता हूँ और मम्मी अपने टिप्स देती है, विशेष टिप्पणियाँ देती है कि मुझे ये पसंद आया, ये नहीं पसंद आया. एंड मैं उसको बहुत सीरियसली लेता हूँ. मैं डायरेक्टर से भी बात करता हूँ कि मम्मी को ये लगा, क्योंकि उनको भी एक्सपीरियंस है एक तरफ से, और एक तो वो इतना प्यार करते हैं मुझे कि शी जस्ट वॉन्ट्स कि सब बेस्ट हो, यू नो, कि ये ठीक नहीं ये ठीक कर दे. और ज़्यादातर एक्सपीरियंस ही मुझे ये एहसास हुआ है कि जो कुछ मम्मी बोलती है ना, एंड में वही चीज़ सच होती है. हम शायद बोलते हैं कि नहीं ये ठीक है, वो बातें शूटिंग में कर लेंगे, बट एंड में वही बात सच निकलती है कि ये स्क्रिप्ट में लोगों को पसंद नहीं आया या ये पार्ट उनको पसंद नहीं आया. मुझे लगता है रणबीर कपूर से जो लोग फिल्म पे देखकर, या फिर अभी अभी जो पढ़ाई वाली चीज़ पर मैंने कहा था कि आप अपील कर दीजिए, ये चीज़ ज़रूर सीखने वाली होती है कि आप सिर्फ अपने मोबाइल्स और लैपटॉप्स में इन्वॉल्व ना रहें, अपने फैमिली की तरफ तो पूरा देखना होता है. जी बिल्कुल. आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही होती है, अगर मेरे पेरेंट्स मुझे लेके, मेरे काम को लेके, मेरी लाइफ को लेके अगर वो प्राउड है, अगर उनको अच्छा लगता है, अगर उनको लोग जाके बोलते हैं कि यू नो रणबीर अच्छा लड़का है या लाइक नो रणबीर अच्छा काम कर रहा है, जो खुशी उनके चेहरे में आती है उससे बड़ी और खुशी हो ही नहीं सकती, यू नो, आई थिंक फॉर एवरीबॉडी. अच्छा, क्योंकि आपको आपकी फैमिली के अलावा डिटैच भी नहीं किया जा सकता है. देखिए, उसमें होता है कि कपूर खानदान में हमेशा एक जोड़ियों की परंपरा सी रही है. जी. राज कपूर, नरगिस,
हम लोग ऋषि कपूर नीतू सिंह, वो तो रियल लाइफ दोनों हो गया, क्या रणबीर कपूर किसी के साथ जोड़ी उनको लगता है कि फिल्मों में स्ट्रिक्टली फिल्म? जी आई थिंक अभी जिनके साथ भी मैंने काम किया, अगर वो दीपिका हो या कटरीना हो, लोगों को हमारी जोड़ी पसंद आई, हमारी फिल्में चली हैं। बट आई थिंक जो जोड़ी की बात होती है ना, वो बहुत फिल्मों पे डिपेंड करती है। अगर आपकी फिल्म हिट होती है तो लोगों को जोड़ी पसंद आती है। जैसे दीपिका और मैंने बचना है हसीनों की थी, तब उनको हमारी जोड़ी इतनी पसंद नहीं है, लेकिन जब हमें ये जवानी है दीवानी की, तब लोगों को लगा कि यार इनकी जोड़ी बहुत अच्छी है। तो जो किरदार आपको मिलते हैं, जो गाने आपको मिलते हैं, अगर फिल्म लोगों को पसंद आती है तो लोग बोलते हैं कि हाँ ये जोड़ी हिट, तो उस पर बहुत डिपेंड होता है। मतलब ये कोई स्पेसिफिक नहीं कि भाई मैं फ्यूचर में इसी के साथ जोड़ी रखूंगा ताकि नहीं, ये आप सोचते नहीं हो। मैंने कभी कास्टिंग में दखल अंदाजी नहीं की है। जब लोग मुझे, डायरेक्टर मुझे फिल्म ऑफर करता है, मैं अपना एक पार्ट देखता हूँ और फिर बाद में पता लगता है उन्होंने इनको कास्ट किया है, उनको कास्ट किया है। एक्शन फिल्मों की तरफ देखेंगे, यही एक जॉनर मुझे लगता है अभी तक दिखे नहीं है। हालांकि संजू के लिए आपने, आपको बॉडी बिल्डिंग करनी पड़ी। जी जी जी, बहुत बहुत दिक्कत हुई क्योंकि मैं बचपन से एक दुबला सुखड़ा इंसान हूँ, तो मुझे बॉडी बनाने में मेरे लिए बहुत मुश्किल है, वेट लूज करना मेरे लिए आसान है। तो जब मैंने शुरू की थी, मैं जगह जासूस कर रहा था, तो मैं स्कूल बॉय का किरदार था, तो लगभग मैं 70 kg का था। और जब मैंने संजू शुरू की, मुझे 90 तक पहुँचना था, तो मैं दिन में 10 बार खाता था, रात को 3 बजे उठ के प्रोटीन मिल्कशेक पीता था 2-2 घंटे। क्योंकि है कि संजय दत्त की जो बॉडी है वो आइकॉनिक है, 90s में जो उन्होंने बॉडी बनाई थी, एंड आई थिंक अगर वो हमने उसके करीब तक भी नहीं आए तो उनके जो फैंस हैं उनको डिसअपॉइंटमेंट होगा कि नहीं यार, वो संजय दत्त की जो बॉडी थी, जो लंबे बाल थे, जो ईयरिंग था, जो अंदाज था, वो बहुत ज़रूरी था हमको लाने के लिए। लेकिन बहुत मुश्किल था, तो हमने पूरी फिल्म रिवर्स में शूट की। हर जो फेज था, हमने लेट 50s शुरू किया, फिर जब हम 40s पे आ रहे थे तो 1 महीना का ब्रेक लिया, मैंने और वेट लूज़ किया, फिर जब मैं 30s में आ रहा था, जब वो 30 साल के थे, तो 1.5 महीना लेके मैंने और वेट लूज़ किया, बॉडी पे कॉन्सेंट्रेट की, और फिर जब वो 20 साल के थे फिर वो मेरे जैसे दुबले पतले थे। तो पूरी फिल्म हमने ऐसे रिवर्स ऑर्डर में शूट की। अच्छा जी, अच्छा, कुछ कुछ दंगल की याद आती है इससे? ऑफ कोर्स, जो आमिर सर करते हैं वो तो हम सबके बाप हैं, यू नो। तो इजियर कि आप वेट लूज करते जाएं? जी जी जी, दान की आप? जी जी, बहुत आसान है, क्योंकि क्या है कि आमिर सर से ही सीखा मैंने, उन्होंने मुझे कहा कि जब भी कोई फिल्म करो, डू इट एज जब आप सबसे मोटे हो, क्योंकि क्या है कि कभी कभी फिल्म खत्म हो जाती है और अगर आप मोटे रह गए तो कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा दुबले होने का, तो हमेशा मोटे से शुरू करो और फिर फिल्म के दौरान दुबले हो जाओ, उसके बाद वो फिल्में मिलने लगेंगी जो उस कैरेक्टर पर सूट करते। आपने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, मुझे लगता है कि हर बड़े डायरेक्टर के साथ ऑलमोस्ट, मतलब संजय लीला भंसाली से लेकर अब राजकुमार हिरानी, कोई पर्सनल फेवरेट है या रिस्क नहीं लेंगे बताने का? नहीं जी, पर्सनल फेवरेट क्या है कि इस इंडस्ट्री में क्या है कि आप जिसके साथ आप, आपकी जोड़ी होती है और फिल्म हिट हो जाती है तो वो आपका पर्सनल फेवरेट बन जाता है। संजय लीला भंसाली और मेरी पहली फिल्म डिजास्टर थी। अभी राजू हिरानी के साथ मैं फिल्म कर रहा हूँ, वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं, उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो एक, जो एक हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं राजू हिरानी, वो मेरे करियर में वो इफेक्ट आता है। अगर लोग इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड है, वो पहली चीज़ क्योंकि वो राजू हिरानी की फिल्म है, दूसरी चीज़ क्योंकि वो संजय दत्त के ऊपर है, और तीसरी बात शायद क्योंकि मैं इस फिल्म में हूँ। तो इसका एहसास है मुझे कि इस डायरेक्टर का जो इफेक्ट है मेरी ज़िंदगी में, मेरे करियर में, वो कितना बड़ा है। तो बिल्कुल चाहूँगा कि उनके साथ फिर से काम करूँ। बट आई थिंक वो भी ऐसे डायरेक्टर है, जब तक उनको एक ऐसी स्क्रिप्ट ना मिले, ऐसा किरदार ना मिले, और उनको नहीं लगे कि अच्छा ये, देखिए वो आमिर खान के साथ काम कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने मुझे कास्ट किया है जहाँ मेरी फिल्में नहीं चल रही थी, तो उन्होंने ऐसे एक्टर को कास्ट किया कि वो शायद वो लेवल का स्टार नहीं था, वो कोई भी एक्टर के साथ काम कर सकते थे। तो आई थिंक जो उनका एक विजन है, इट्स वेरी अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट। अभी शायद वो मुन्ना भाई बनाने वाले हैं, तो उसमें संजू सर होंगे, लेकिन मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि कहीं ना कहीं यू नो उनके दिमाग में एक स्क्रिप्ट आ जाए या किरदार आ जाए जिसमें मैं उनके साथ फिर से काम करने का मौका मिले। लेकिन कई ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में हैं जिनके साथ आपका नाम जुड़ रहा है, जैसे सैम मानेकशॉ, सुना कि रणबीर कपूर बने? अच्छा, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। मैंने, जैसे मैंने पहले कहा था, मुझे सब जानकारी है, तो मेघना गुलजार जी शायद ये फिल्म पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे अभी तक ऑफर नहीं है। अभी फिलहाल मैं 2 फिल्म कर रहा हूँ, जब आपने बात छेड़ी थी एक्शन की, तो मैं एक्शन ट्राई कर रहा हूँ, उसमें भी बहुत मेहनत का काम है। एक ब्रह्मास्त्र है जो मेरे मित्र अयान मुखर्जी बना रहे हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन है, आलिया भट्ट है, और एक है शमशेरा जो करण मल्होत्रा बना रहे हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, डाकुओं पर 18th century जब ब्रिटिश राज था, जब वो आ रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी एक एक्शन स्पेस है। तो अलग अलग दुनिया है, अलग किरदार है, अलग फिल्में हैं, और
अलग डायरेक्टर भी है, मैंने करण मल्होत्रा के साथ कभी काम नहीं किया है। क्या पिछले चार साल में मैं थोड़ा एक रिपीट में भी पड़ गया था, मैंने अनुराग बासु, इम्तियाज़ अली, अयान मुखर्जी के साथ काम कर रहा था, तो बाहर मुझे ऐसे मौके नहीं मिले कि मैं अलग अलग टैलेंट्स के साथ काम करूँ। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यू नो नए टैलेंट्स के साथ काम करूँ, नए डायरेक्टर्स के साथ काम करूँ, एंड ऐसी कहानियाँ चुनूँ जो जिससे पहले मैंने की नहीं। और मैं तंग आ गया हूँ वो कमिंग ऑफ एज लवर बॉय रोल से, यू नो मैं भी बहुत कुछ हो गया है, अभी मैं 35 का हो गया हूँ, इट्स हाई टाइम कि मैं अगला स्टेप ले लूँ, थोड़े अलग किरदार पे फोकस करो। और जो स्पॉटलाइट मिलते हैं सेलिब्रिटीज को, आपको उससे परेशानी नहीं होती है? हम बचपन से मैं जब मैं छोटा था तो शायद इतना उस जमाने में इतना स्पॉटलाइट नहीं लेकिन था, आज की तारीख में जैसे एक तैमूर को जी तो और मुश्किल होता है। कहते हैं सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सेंसेशन वही है। बिल्कुल, एंड ऑफ कोर्स यू नो जब वो बड़ा होगा तो लोग जब उसको देखेंगे तो वो शायद ऐसा समझेंगे कि हमने तेरी पूरी लाइफ देखी है, यू नो हम जानते थे तू कैसे इतना था, तू कैसे कच्चे पहनता था और कैसे तेरे हेयर स्टाइल्स चेंज हुए। तो आई थिंक उसके लिए मुश्किल होगा यू नो अपने लाइफ में। जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं चाहूँगा कि मैं जितना उनको प्रोटेक्ट कर सकूँ अच्छा उनके लिए अच्छा होगा, यू नो उनके जो जब वो बड़े होंगे स्कूल जाएंगे तो ज़्यादा उन पर इतना स्पॉटलाइट होगा तो खुद उनका दिमाग ख़राब हो जाएगा, यू नो इन सम वे ऑर द अदर। बट इट्स हार्ड फॉर सेलिब्रिटी चिल्ड्रन इन टुडेज़ एज। तब तो कैमरा फोन्स नहीं थे, यू नो ऑफ कोर्स लोग को पता था कि हम ऋषि कपूर के, मैं ऋषि कपूर का बेटा था, मेरी सिस्टर बेटी थी, तो स्कूल में भी हमें बहुत अटेंशन मिलता था, लेकिन हमें अच्छा लगता था, हमें लगता था कि यार लोग हमें अच्छी तरह से ही देखते हैं। चलिए इस प्रोग्राम के लास्ट में पहुंचते हुए एक कपूर खानदान की परंपरा रही है, सब समय से शादी कर लेते हैं। जी सीधी बात है, अभी टेढ़ी बात। जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो मैं चाहता था मैं जब 27 साल का हूँगा तो मैं शादी करूँगा, जब 29-30 का हो जाऊँगा तब मेरे दो बच्चे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ प्लान चाहा नहीं, हुआ नहीं, हुआ नहीं, प्लान से गए नहीं। बट आई थिंक शादी एक ऐसी चीज़ है जिस मैं बहुत मानता हूँ, लेकिन वो नेचुरली आना चाहिए। थैंकफुली मेरे पेरेंट्स से कोई प्रेशर नहीं आ रहा कि शादी कर लो या ये कर लो, आई थिंक उन्होंने वो गिव अप कर चुके हैं कि यू नो हमारी बात नहीं सुनेगा, बट होपफुली सो, यू नो मैं भी चाहता हूँ कि अब जैसे मैंने कहा था कि मैं 35 का हो गया हूँ, जब मेरे बच्चे 20 साल के होंगे मेरे हड्डियों पे जान होनी चाहिए तो मैं उनके साथ फुटबॉल खेल सकूँ। मतलब सलमान जैसे इटर्नल बैचलर नहीं होने वाले, सलमान खान एक ही पैदा होता है। तो मैं यही चाहूँगा कि जल्दी शादी और जल्दी बच्चे हो जाए, अभी प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करना। नहीं सब प्रार्थना करेंगे और सब बहुत सारे लोग कोशिश भी करेंगे। क्या कोशिश करेंगे? बहुत सारी लड़कियां कोशिश भी करेंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रणबीर हमसे सीधी बात करने के लिए। ये थी आज की मुलाकात, अगले हफ्ते किसी और शख्सियत से सीधी बात। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।